अद्भुत अनुपम अलौकिक अकल्पनीय अमृतकाल। ये जो तस्वीरें आपने देखी ये नए संसद भवन की हैं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे। इसका वीडियो भी हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें नया संसद भवन काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये दिन काफी गौरवशाली है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे राष्ट्र को नए संसद भवन को समर्पित करेंगे। हालांकि इससे पहले हवन पूजन लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा और प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में कई बड़े विद्वान पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नई संसद के बाद और भी बहुत कुछ है जो देश को मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। नए संसद भवन की सौगात आज मिलने जा रही है। आजादी के 75 साल पूरा होने पर राष्ट्र को पीएम मोदी समर्पित करेंगे। ये बिल्डिंग पहले के संसद भवन से ज्यादा बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली है। ये सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। संसद के नव निर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी है। राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इस इलाके में बने भवनों को 100 साल से ज्यादा हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने इन्हें रीडेवलप करने का प्लान 2019 में तैयार किया था। सालों पुराने बने इन भवनों के निर्माण का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत इसी इलाके में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, केंद्रीय सचिवालय, संसद समेत कई कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो चुका है। पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। सेंट्रल विस्टा में करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में 6 इमारतों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि किन इमारतों में बदलाव नहीं होगा, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। अब इन इमारतों में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाकी जो इमारतें हैं उनका उद्घाटन कब होगा ये देखने वाली बात होगी। आपका मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ कहना है ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार शुभकांत ने। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।